सो हेलो गाइस, क्रेजी अपडेट हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआरजीबी मोबाइल बैंकिंग के बारे में। अगर आप सीआरजीबी मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हो तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि ये भी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे कि सभी को पता है, अगर आप सीआरजीबी मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हो तो आपको पता होगा यहाँ पर एम पिन नहीं दिख रहा है, ना ही ट्रांजेक्शन पिन दिख रहा है, दोनों यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो कौन सा रीज़न है, किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, आगे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देख लेना। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने अपना सी आर जी मोबाइल बैंकिंग को ओपन करके रखा हुआ है। सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे एंड जैसे कि हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आया हुआ है। यहाँ पर एम पिन डालने का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था फॉरगेट का, अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि अगर आप अपना एम पिन भूल गए हो तो उसे आप फॉरगेट नहीं कर सकते। सो रीज़न अभी तक तो पता नहीं चला है। आप लोग बोलोगे कि आपने थंबनेल में लिखा है कि प्रॉब्लम सॉल्व करके, लेकिन आप बोलोगे कि आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अभी इसका सॉल्यूशन पता नहीं चला है, क्योंकि इसे ऑफिशियली बंद किया है या फिर नहीं किया है, इसका भी रीज़न अभी तक पता नहीं चला है। मैंने इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर सेंड किया है, मैसेज किया है, लेकिन कोई भी अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। एग्जैक्ट पता नहीं चला है कि किस रीज़न से इसे रिमूव किया गया है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट अस लिखा है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसकी वेबसाइट पर आप चले जाओगे। देख सकते हो यहाँ पर वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पर जाके आप नीचे आओगे, और नीचे आओगे तो देख सकते हो यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है और यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करके या फिर कॉन्टैक्ट करके आसानी से पता कर सकते हो कि किस रीज़न से बंद किया हुआ है। मैंने तो इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर सेंड किया है, मैसेज किया है, टैग किया है, लेकिन अभी तक इसका रीज़न बताया नहीं है। तो अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ से बैक कर लेते हैं और मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारा जो ट्रांजेक्शन पिन है वह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी नहीं कर सकते, फॉरगेट करना चाहते हो तो फॉरगेट नहीं कर सकते। यानी कि ट्रांजैक्शन पिन और एम पिन दोनों को यहाँ से रिमूव कर दिया है, बट किस रीज़न से किया है अभी तक पता नहीं चला है। सो सिंपली बैक कर लेते हैं और देख सकते हो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। और देख सकते हो यहाँ पर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी हैंडल है उसका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके, टैग करके, मैसेज करके पता कर सकते हो। तो मैं आपको सोल्यूशन तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप पता कर सकते हो कि सॉल्व कैसे होगा, किस रीज़न से रिमूव किया हुआ है। अगर आपको पता करना है तो आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर ट्विटर पर मैसेज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट विथ अस ऑन लिखा हुआ है, जहाँ पर आप इस पर जाके आसानी से सेंड कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टैग कर सकते हो और पता कर सकते हो कि एम पिन को और ट्रांजेक्शन पिन को किस तरह से रिमूव किया गया है, किस रीज़न से रिमूव किया गया है। मैंने तो टैग किया है लेकिन अभी तक पता नहीं चला है। अगर आप भी पता करना चाहते हो तो पता कर सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, साथ में शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसा ही यूजफुल कंटेंट मिलता रहे। चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं।